A thin rod of length for f by 3 lies along the axis of concave mirror of focal length f. इसकी focal length क्या यहाँ पे? F इसकी focal length तो focal length f है, ठीक है ना? और object की thin rod की length f by 3 और इसने ये बोला कि इमेज का एक एंड ऑब्जेक्ट के एक एंड से टच कर रहा है और लेंथ ऑफ मैग्नीफाइड इमेज बतानी आपको कितनी हो जाएगी. सुनिए आप, यहाँ पे ऑब्जेक्ट की लेंथ f बाई 3 है और इसने बोला है कि एक एंड ऑब्जेक्ट का इमेज के एक एंड से टच कर रहा है. ऐसा तभी हो सकता है जब जब ऑब्जेक्ट जो है ना उसका एक एंड 2f के ऊपर हो. जब ऑब्जेक्ट 2f पे होता तो इमेज भी कहाँ बनती है? 2f पे. ऑब्जेक्ट 2f पे तो इमेज भी 2f पे. तो यहाँ पे देखो इस केस के अंदर जो है यानी कि जो रोड रखी हुई है और एक इसने ये भी बोला है कि जो रोड रखी हुई है अलोंग द प्रिंसिपल एक्सिस रखी हुई है. इसका मतलब ये हुआ कि देखो रोड ऐसे रखी हुई है तो वो रोड या तो ऐसे रखी हुई होगी पक्का है या फिर रोड ऐसे रखी हुई होगी क्योंकि अगर इसका एक एंड टू एफ से टच जरूर करेगा यहाँ पे तभी तो इसमें इसमें इमेज का भी एक एंड टू एफ से टच कर सकता है. अगर हम ऑब्जेक्ट कहीं और रख देंगे और उसका एक एंड टू एफ से टच नहीं कर रहा है उसका अगर ऑब्जेक्ट कहीं और रख देंगे तो इमेज जो है उसका एक एंड ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के एक एंड से टच नहीं करेगा. तो इसलिए जरूरी है इसको या तो ऐसे रखना पड़ेगा या फिर ऐसे. लेकिन इसने क्वेश्चन में ये बोला कि मैग्नीफाइड इमेज बन रही है. अगर मैग्नीफाइड इमेज बन रही है इस केस के अंदर तो पक्का है कि जो ऑब्जेक्ट है उसको ऐसे रखा गया होगा. ऑब्जेक्ट को ऐसे रखा गया होगा इस केस के अंदर. मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है ना ये ऑब्जेक्ट है यहाँ पे और ये इसकी इमेज है यहाँ पे. ऐसे ये इसकी इमेज है यहाँ पे, ये ऑब्जेक्ट और ये इसकी इमेज है, ठीक है ना? इस तरीके से ऑब्जेक्ट को इमेज इस तरीके से रखोगे आप यहाँ पे, ठीक है ना? मतलब इमेज ऐसे बनेगी, बड़ी इमेज बनेगी. इस पॉइंट को ए मान लो, इस पॉइंट को बी मान लो और ये ए है और ये क्या यहाँ पे बी डैश है. ये तो ये ऑब्जेक्ट है और ये इसकी इमेज है. अब एक काम करो, ये जो ए है ना यहाँ पर इसकी इस एंड की इमेज तो यहीं पर ही बनेगी यहाँ पे. अब एक बात बताइए, यहाँ पर ये जो बी एंड है ये लेंथ कितनी यहाँ पे रोड की लेंथ बताइए? एफ बाई 3 है इस रोड की लेंथ. इस रोड की लेंथ कितनी यहाँ पे? एफ बाई 3. तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी लेंथ है ये वाली? 2f है. ये लेंथ कितनी यहाँ पे? 2f. तो अगर यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ 2f है और ये लेंथ f बाई 3 है तो यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी बताइए? यहाँ पर ये 2f माइनस में f बाई 3 यानी कितना जगह यहाँ पर ये 5f बाई 3 आएगा. यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस ये जो बी पॉइंट है ना इस बी पॉइंट को ये बी वाला जो एंड है इसको एक ऑब्जेक्ट कितना मान के मतलब मान के सोचो आप कि ये एक मतलब जो है ना ऑब्जेक्ट है और ये कितने डिस्टेंस पर है? 5f बाई 3 की डिस्टेंस पे है. तो आप एक काम करो इस बी एंड को इसके लिए आप मिरर फॉर्मूला लगा दीजिए. आप 1/u प्लस में 1/v इज इक्वल्स टू 1/f. यू की वैल्यू क्या लिखूँ मैं इसके लिए बताइए? यू की वैल्यू 5f बाई 3 ना, 5f डिवाइडेड बाई में 3 और वो माइनस का ना माइनस का लिखा जाएगा माइनस का प्लस में 1/v इज इक्वल्स टू 1/f. f कितना यहाँ पे? f तो निकालना है अपने को, ठीक है ना? f तो दे रखा है f और ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होगी 5f बाई 3 और v निकल जाएगा यहाँ से 1/v इज इक्वल्स टू माइनस एफ आएगा. माइनस एफ क्यों आया बताइए? कॉनकेव मिरर है. तो यहाँ पे 1/v की वैल्यू कितनी आएगी? माइनस का 1/f प्लस का 3/5f. ये आ जाएगा आपके पास 1/v की वैल्यू बताइए कितनी आएगी यहाँ से? 5f तो एलसीएम ले लिया, कितना आएगा यहाँ पर ये? माइनस 5 प्लस का 3 कितना आएगा यहाँ पर ये? 2/5f आ जाएगा. तो v की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? माइनस का 2/5f आएगा. यानी कितना आएगा यहाँ पर ये v की वैल्यू बताइए? हाँ जी, माइनस का 5f बाय में 2. यानी कि देखो नेगेटिव का मतलब फ्रंट में ही बनेगी इमेज, फ्रंट में ही बनेगी इमेज, ठीक है ना? और 5f बाय 2 यानी कि मतलब जो 5f बाय 2 2f यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक की लेंथ कितनी हो जाएगी? f बाय 2 होगी लेंथ क्योंकि यहाँ से लेके यहाँ तक 2f है और यहाँ से लेके यहाँ तक 2.5f है. तो यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी हो जाएगी यहाँ पे? 0.5f हो जाएगी यहाँ पे. f बाई 2 हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक. यहाँ से लेके यहाँ तक कितनी आएगी यहाँ पर ये? f बाई 2 आ जाएगी लेंथ. ये लेंथ आपके पास आ गई. तो इसने पूछा क्या था यहाँ पे? लेंथ ऑफ इमेज पूछा था क्या इसने? लेंथ ऑफ इमेज तो f बाई 2 होगी इस केस के अंदर. समझ आ रही है ना बात आपको? कोई डाउट है?